और अब बात करेंगे यूपीएसटीएफ ने मथुरा में सरकारी शिक्षकों की फर्जी भर्ती करने वाले नियुक्त गैंग का खुलासा किया है। दरअसल 2016 में प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में 257 फर्जी भर्तियां हुई। मथुरा बीएससी ऑफिस का क्लर्क महेश गैंग का मास्टरमाइंड है। इसने अपात्र लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किया था। एडीजी एलओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि महेश को रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी। साथ ही 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें सरकारी स्कूल के टीचर हैं। आपको बता दें कि शैक्षिक योग्यता नहीं होने के बावजूद ये स्कूलों में पढ़ा रहे थे। पुलिस ने बीएसए ऑफिस को सील कर दिया है। पूरे मामले में तत्कालीन बीएसए संजीव कुमार सिंह की भूमिका भी संदिग्ध और जांच के घेरे में है। एसटीएफ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। आप अवगत हैं कि 2016-17 में विभिन्न जनपदों में जूनियर और प्राइमरी टीचर्स का रिक्रूटमेंट करने का आदेश हुए थे, जिसके तहत जनपद मथुरा में भी रिक्रूटमेंट किया गया था। 257 जूनियर और प्राइमरी टीचर्स की भर्ती वहां पर लोकल बीएसए दफ्तर द्वारा की गई थी। अभी कुछ दिन पहले कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी कि वहां पर व्यापक धांधली की गई है इस भर्ती में और बहुत लोग इसमें लिप्त हैं। इस जानकारी पर एसटीएफ की जो मेरठ और आगरा के इंचार्ज हैं आलोक प्रियदर्शी, उनकी टीम एसएसपी एसटीएफ के निर्देशन में वहाँ पर गई और वहाँ पर इसकी छानबीन करना शुरू किया।